जी, सुनने में आ रहा है कि किशनगंज लोकसभा से महमूद मदनी साहब लड़ सकते हैं, तो आप लोग किस तरह की तैयारी है और आप क्या तैयार हैं इनसे निपटने में? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सामने लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बिहार के अख्तरुलीमान साहब बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। और लगातार 4 सालों से जो तैयारी जारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिन्होंने 8 महीना पहले ही 12 अगस्त को सीमांचल आकर के टिकट फाइनल करे हैं, इंशाल्लाह अख्तरुलीमान की जीत फाइनल है। रही बात महमूद मदनी साहब की, वो सरकारी मौलवी हैं और राज्यसभा गए थे अरेली के टिकट पे, अरेली के सिलेक्शन पे गए थे वो राज्यसभा, और कई बार प्रयास भी करे, वो जमानत जब्त हो गई उनकी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से चुनाव लड़े, आसाम से भी वो चुनाव लड़े। पता होना चाहिए कि किशनगंज की अवाम अब गुमराह होने वाली नहीं है। कांग्रेस की गुलामी से नजात पाने के वक्त आ गया है। कांग्रेस ही नहीं, सारी उन पार्टियों से अब हिसाब का वक्त आ गया है जिन्होंने सीमांचल की पसमानदगी का सवाल उठा करके यहाँ के भोले भाले जनता का वोट लिया था, और आज वो कोई लोग RSS के गोद में बैठा हुआ है, और जिन्होंने कुछ लोगों ने वोट लिया तो 20 महीने महागठबंधन में मलाई काटा, अब तो वो लोग दुबला गया है कि नीतीश कुमार ने उन लोगों को ठग करके RSS के गोद पे चला गया है। अब यहाँ की अवाम, यहाँ लिटरेसी का ग्राफ भी ऊंचा हो गया है, घरों में अखबार भी जाने लगे, सोशल मीडिया एक ऐसा आदान प्रदान का माध्यम बन गया है कि अब लोगों को हम नहीं समझते हैं कि इस वक्त और गुमराह किया जा सकता है इन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के द्वारा, जो लोग ऊपर से पायजमा और नीचे में RSS की चड्डी बन करके यहाँ के अकलियतों को, यहाँ के दलितों को गुमराह करने का काम और भाजपा का डर दिखा करके वोट लेने का काम करेगा, अवाम उसकी जमानत जब्त कर देगी। इंशाल्लाह अख्तरुलीमान की बड़ी जीत होगी और पार्लियामेंट की दरो दीवार 2019 में गवाही देगी कि कैसे मजलूमों और अकलियतों दलितों की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साना बासाना अख्तरुलीमान उठाते हैं। ये तारीखी जीत होगी इंशाल्लाह ताला। अवाम बड़ी मजबूती के साथ अख्तरुलीमान के साथ खड़ा है। इंशाल्लाह ताला 2019 में जीत होनी तय है।